नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं योगों के बारे में। अभी तक हमने आपको बहुत से योगों के बारे में जानकारी दी, उसमें से प्रमुख हमने बताया केदार योग है, द्रु योग है, रज्जी योग है, काहल योग है, पर्वत योग है, अनफा योग है। इन योगों की जानकारी दी। इसी श्रृंखला में आज आपको जो इस योग के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे वो है दामिनी योग या दाम नामक योग, जो कहा गया है शास्त्रों में, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसमें शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी आप कोई सी भी कुंडली लीजिए, आपका कोई सा भी लग्न हो, अगर इसमें बताया कि यदि छह राशियों में यदि लग्न से छह राशियों में सातों ग्रहों की स्थिति हो तो दामिनी अथवा दाम नामक योग का निर्माण होता है। फिर से आप सुनिए कि जैसे ये कुंडली है आपकी और इसमें जो भी छह राशियां हैं, मान लो उसमें सभी ग्रह आ जाना चाहिए, तो सातों ग्रह जो होते हैं वो सब आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये दूसरे भाव में शुक्र है, तीसरे भाव में सूर्य है, चौथे भाव में बुध है और आपके आठवें भाव में मंगल शनि है, नवम भाव में बृहस्पति है, दसम भाव में चंद्र है। इस तरह आपने देखा कि ये जो सातों ग्रह हैं वो आपके छह राशियों में आ गए। तो देखिए, एक राशि, दो राशि, तीन, चार, पांच और छह, सब छह राशियों में ये आ गए हैं। तो दामिनी नामक योग का निर्माण हो गया। इसको दाम नामक योग भी कहते हैं, दामिनी योग या दाम नामक योग से इसको परिभाषित किया गया है। तो आप अपने कुंडली में देखिए, जो भी लग्न हो आपका, तो इस तरह से जैसे हमने बताया, अगर छह राशियों में सातों ग्रह की स्थिति बनती है तो दामिनी योग का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस योग से जो जातक है, जिसकी जो जातक है, जिसकी जन्म पत्रिका है, उसको जो इस योग वाला जातक धन रत्न, पुत्र आदि से परिपूर्ण, परोपकारी, अत्यंत ऐश्वर्यशाली, विद्वान, उदार, सुखी, सिलवान, धैर्यवान, यशस्वी तथा क्रोधी होता है। इस योग वाले व्यक्ति को राजनीतिक के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं मिलती है। तो इस तरह इसका फल शास्त्रों में कहा गया है। तो आप भी अगर आपकी कुंडली में, हमने आपको बताया कि दामिनी योग कैसा बनता है, आप जो भी लग्न वाले हो, आप देखिए कि अपने जो छह राशियों में सातों ग्रह के आ जाने से दामिनी योग बनता है। तो यहाँ हमने आपकी कुंडली में देखिए, यहाँ देखिए छह राशियां हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह राशियों में सातों ग्रह आ गए। यहाँ शुक्र आया, सूर्य आया, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, चंद्र, ये सातों ग्रह छह राशियों में आ जाने से दामिनी योग का निर्माण होता है। तो आपकी कुंडली में भी देखिए कि ये छह राशियों में अगर सात ग्रह बन जाते हैं तो दामिनी योग का निर्माण हो जाता है। तो इस योग से जातक विख्यात होता है, अनेक पुत्र तथा रत्नों से समृद्ध होता है, वीर तथा विद्वान होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप भी अपने कुंडली में अगर इस तरह का योग का निर्माण हो रहा है तो आप जो भी लग्न के हो, आप अपनी जन्मपत्री में देखिए कि अगर छह राशियों में सातों ग्रह विद्यमान हो जाते हैं तो इस योग का निर्माण होता है और इसका फल जैसा बताया गया है वैसा प्राप्त होता है। तो आप देखिए, आपकी कुंडली में आपका लग्न भी, लग्न से आपको मुख्य ग्रह देखा जाता है, पंचम भाव से इष्ट देवता देखा जाता है और आपको जब भी इस तरह से जो भी ग्रह की दशा चलती हो उस ग्रह का आप अच्छे से
उसके मंत्रों से जाप करें, उस ग्रह के मंत्रों के जाप करें तो उसके फल में अच्छी वृद्धि होने की संभावनाएं हो जाती है, तो अच्छा फल प्राप्त होता है। तो जो इस तरह से आपको आज हमने जानकारी दी कि किस तरह से दामिनी योग या दाम नामक योग का निर्माण अपनी कुंडली में बन होता है और उसका निर्माण होने के बाद में उसका क्या फल होता है उसकी जानकारी दी, और इस तरह से अपने मुख्य ग्रह को बलवान कीजिए, इष्ट देव की आराधना कीजिए तथा जो ग्रह की दशा चल रही है उसके मंत्रों के जाप कीजिए, 108 बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। इस तरह आप मेरे वीडियो, अगर जो भी योगों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए तथा आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।